नेक्स्ट टॉपिक इज न्यूरल रेगुलेशन, दैट इज रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन बाय नर्वस सिस्टम. ऑलमोस्ट आवर ऑल द एक्टिविटीज दे आर अंडर द कंट्रोल ऑफ नर्वस सिस्टम एंड यू हैव स्टडीड अबाउट द ब्रेन. इन दिस वी टॉक अबाउट द टू पोर्शन ऑफ ब्रेन, दैट इज ऑफ हाइंड ब्रेन. दिस इज फर्स्ट पोर्शन, इट इज कॉल्ड पॉन्स वेरोलाई. Pons veruli, and this is next portion, that is the last portion of brain, that is called medulla oblongata. Medulla oblongata, and you know that medulla oblongata की जो आगे extension है उसको spinal cord बोलते हैं. Medulla oblongata में दो center हैं, एक ये डोर्सल साइड पे, दिस इज कॉल्ड डोर्सल ग्रुप ऑफ न्यूरॉन. दिस इज ऑन वेंट्रल साइड, दिस इज वेंट्रल ग्रुप ऑफ न्यूरॉन. दिस इज डोर्सल ग्रुप ऑफ न्यूरॉन, न्यूरॉन आर द नर्व सेल. दिस इज वेंट्रल ग्रुप ऑफ न्यूरॉन. Ventral group of neuron, and in pons veruli there are present two center. This center is called pneumotaxis center. Pneumotaxis center, and this is called अबाउट द सेंटर ऑफ मेडुला ओब्लोंगेटा. और उससे पहले हम बात करेंगे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन. अगर आप अपनी ब्रीदिंग काउंट करते हैं, योर ब्रीदिंग इज 14 टू 16 ब्रीदिंग पर मिनट. अगर हम बच्चे में काउंट करते हैं, बच्चे का मेटाबॉलिक रेट ज्यादा होता है तो उसमें ब्रीदिंग रेट भी ज्यादा होता है, नियर अबाउट 40 टू 45 ब्रीदिंग पर मिनट. फिर हम बात करते हैं दीज सेंटर विच आर प्रेजेंट इन मेडुला ओब्लोंगेटा, इनको रिदमिसिटी सेंटर बोलते हैं. आपने मैकेनिज्म पढ़ लिया इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन का, आपको पता है कौन से मसल इंस्पिरेशन में इन्वॉल्व है और कौन से एक्सपिरेशन में इन्वॉल्व है. तो मेडुला ओब्लोंगेटा की डोर्सो लेटरल साइड, दिस इज अ डोर्सो लेटरल साइड, हियर इज प्रेजेंट द डोर्सल ग्रुप ऑफ न्यूरोन एंड द वेंट्रो लेटरल साइड इज कंटेन द वेंट्रल ग्रुप ऑफ न्यूरोन. If we talk about the pons veruli, in pons veruli there is present the pneumotaxis center, and just below the pneumotaxis center there is present anustic center. If we talk about the breathing, inspiration it is for 2 seconds. Inspiration it is for 2 seconds. इंस्पिरेशन वाले मसल अपने आप स्टॉप होते हैं तो जस्ट एक्सपिरेशन स्टार्ट हो जाती है, एंड एक्सपिरेशन फॉर 3 seconds. इफ वी टॉक अबाउट द डोर्सल ग्रुप ऑफ न्यूरॉन, डोर्सल ग्रुप ऑफ न्यूरॉन दे कंट्रोल द इंस्पिरेशन, एंड वेंट्रल ग्रुप ऑफ न्यूरॉन दे कंट्रोल बोथ इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन. फिर यहां से आपको कोरिलेट करना जो आपने पढ़ा है डोर्सल ग्रुप ऑफ न्यूरॉन. अब आप अगर इंस्पिरेशन का मैकेनिज्म पढ़ते हैं तो आपको पता है डायफ्राम के मसल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं. फिर हम रिब्स के बीच के मसल की बात करें, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, एब्डोमिनल मसल रिलैक्स कर रहे हैं. तो इसका मतलब है जो डोर्सल ग्रुप ऑफ न्यूरॉन है, यहां से जो नर्व फाइबर जाएंगे दे गो टू द डायफ्राम. एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल एंड एब्डोमिनल मसल दे हैव नो रोल, दे आर पैसिव. फिर बात करते हैं वेंट्रल ग्रुप ऑफ न्यूरॉन, दे कंट्रोल बोथ इंस्पिरेशन एज वेल एज एक्सपिरेशन. दैट मींस देयर मसल आर सप्लाइड टू डायफ्राम. इंटरकोस्टल मसल दोनों आ जाएंगे, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल एंड इंटरनल इंटरकोस्टल मसल. देन एब्डोमिनल मसल ऑल्सो दे आर इंक्लूडेड इन दिस ग्रुप, दैट इज द वेंट्रल ग्रुप ऑफ न्यूरोन. फिर हम बात करते हैं न्यूमोटैक्सिस सेंटर की. न्यूमोटैक्सिस सेंटर इट रेगुलेट बोथ दिस सेंटर,
dorsal group of neuron and ventral group of neuron. If we talk about aneustic center को मान के चलते हैं कि center होता है. Aneustic center is hypothetical center जिसको मान कर चल रहे हैं होता है. And it control the depth of breathing. आप कितना लंबा सांस ले रहे हो, कितना लंबा छोड़ रहे हो, that depend on the aneustic center. Next we talk about the chemical regulation. Chemical regulation में कुछ ऐसी terms आएंगी which are related to the circulatory system. तो जब हम heart का diagram कर लेंगे उसके बाद ही chemical regulation पूरा कर पाएंगे. Then next are the disease which are related to lung. First disease that is allergic disease that is called asthma or bronchial asthma. Then you should know what is allergy. एलर्जी इज हाइपर सेंसिटिविटी. कोई भी चीज हो सकता है वो ज्यादा हार्मफुल ना हो और हार्मफुल होती ही नहीं है, पर एक ह्यूमन बींग है वो उसके लिए हाइपर सेंसिटिव हो गया है. उसकी जो इम्यून सिस्टम है वो रिएक्ट कर रहा है, वो उस पार्टिकल को फॉरेन पार्टिकल मानता है और अपनी रिएक्शन शो करता है. और आपको ये भी पता होना चाहिए अगर एलर्जी है तो इम्यूनोग्लोबुलिन ई, इम्यूनोग्लोबुलिन ये हमारे बॉडी में है, ये हमारे प्रोटीन है इम्यून सिस्टम के, ये रिएक्ट करेंगी एलर्जिक रिएक्शन में. व्हाट इज द एलर्जी? एलर्जी इज द हाइपर सेंसिटिविटी. हाइपर सेंसिटिव है, सपोज किसी को पोलन ग्रेन से एलर्जी हो सकती है, किसी को सनलाइट से एलर्जी हो सकती है. दीज आर द डिफरेंट टाइप ऑफ एलर्जी. किसी को डस्ट से एलर्जी हो सकती है. तो जब एलर्जेंट बॉडी में जाता है, एलर्जेंट आर दोज पार्टिकल विच कॉज एलर्जी. देयर इज इन्फ्लेमेशन इन ब्रोंकियोल. ब्रोंकियोल आर द फर्दर ब्रांचेस ऑफ ट्रेकिया एंड देयर मे बी फॉर्मेशन ऑफ म्यूकस इन द ब्रोंकियोल दैट कॉज द डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग एंड देयर मे बी वन साइन ऑल्सो दैट इज वीजिंग, साथ साथ आवाज आना. देन व्हाट इज द क्योर? क्योर इज द प्रिकॉशन फ्रॉम द एलर्जेंट. अगर आप एलर्जेंट के कॉन्टेक्ट में बार बार आएंगे देन डिजीज में बी सीवियर. नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट डिजीज दैट इज कॉल्ड एम्फिसीमा. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. इट इज ऑल्सो कॉल्ड स्मोकर्स डिजीज. स्मोकर डिजीज मैक्सिमम स्मोकर्स में देखने को मिलेगी. अगर हम बात करते हैं ये हमारी लंग्स में एल्वियोलाई हैं जिनको हमने मिनिएचर लंग बोला, इनके बीच में ये वॉल प्रेजेंट है. वॉल प्रेजेंट होने से इनका सरफेस एरिया बहुत ज्यादा बढ़ गया है. अब स्मोकर्स में जो चेन स्मोकर होते हैं या बहुत ज्यादा स्मोकिंग कर रहे हैं उनमें ये वॉल टूट जाती है. ये वॉल टूटने से क्या होगा? जो लंग्स का एरिया है, सरफेस एरिया कम हो जाएगा और कई बार लंग्स कोलैप्स भी हो जाते हैं. दिस इज कॉल्ड एम्फिसीमा. देयर इज नो ट्रांसप्लांटेशन ऑफ लंग बट बाय द बायोटेक्नोलॉजी देयर इज फॉर्मेशन ऑफ ए प्रोटीन विच हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ दीज वॉल्स. एम्फिसीमा इट इज द स्मोकर डिजीज एंड इन दिस सरफेस एरिया गेट रिड्यूस ड्यू टू डैमेज ऑफ द सेप्टा बिटवीन लंग एल्वियोलाई. देन वेरी इंपॉर्टेंट occupation disease. Occupation diseases are those which are due to particular occupation. एक human being है उसको ऐसा occupation करना पड़ रहा है जो कि उसकी health को suit नहीं कर रहा, फिर भी उसको करना पड़ रहा है. For example, भी textile worker का अगर हम बात लेते हैं, cotton factories में लोग काम कर रहे हैं तो बहुत छोटे छोटे particle जो कि उनको visible नहीं है वो inhale कर रहे हैं और वो lungs में इकट्ठे होते हैं. They cause the damage to lung. एंड दे सफर फ्रॉम द रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम. फिर हम बात करते हैं कोल माइंस की. कोल माइंस में काम कर रहे हैं जो कोल के बहुत स्मॉल पार्टिकल हैं विच आर नॉट विजिबल पर वहां की एयर में प्रेजेंट हैं, वो इनहेल करेंगे तो उनको डिजीज हो जाती है न्यूमोकोनोसिस. फिर स्टोन माइल्स. स्टोन माइल्स में काम कर रहे हैं जहां पत्थर की
खुदाई वगैरह होती है, पत्थर काटते हैं, वहां भी छोटे छोटे पार्टिकल चले जाते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम से, दैट इज कॉल्ड सिलिकोसिस। एस्बेस्टोस, एस्बेस्टोस एक सीमेंट जैसा मटेरियल होता है, रोड वगैरह बनाने के काम आता है। एस्बेस्टोस की फैक्ट्री में जो काम करते हैं वो भी ऐसे ही बहुत स्मॉल पार्टिकल इनहेल करते हैं, डिजीजेस एस्बेस्टोसिस। दीज आर द डिजीज रिलेटेड टू रेस्पिरेटरी सिस्टम। देन वन मोर डिजीज दैट इज अ बैक्टीरियल डिजीज, ट्यूबरक्लोसिस। ट्यूबरक्लोसिस इज नॉट ओनली द रेस्पिरेटरी डिजीज, इट मे अफेक्ट द लिम्फ नोड, इट मे अफेक्ट द बोन्स ऑल्सो। इन द ट्यूबरक्लोसिस इट इज कंटेमिनेटेड डिजीज स्प्रेड बाय द स्पूटम ऑफ द पेशेंट। And now there is the program of 6 months to eradicate this disease from a person. This is all about the some disease which are related to respiratory system. Our next topic is general terms in the respiration which are very important from the NIT point of view. We will discuss in the next video.